नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 3 सितंबर 1875 को दुनिया का पहला पोलो मैच खेला गया था। अर्जेंटाइन ओपन पोलो टूर्नामेंट में खेले गए इस मैच को पहला आधिकारिक पोलो मैच माना जाता है। और 2006 में भारतीय मूल के भारत जगदेव ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 2020 में भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया। भारतीय नौसेना को मिला अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमीशनिंग सेरेमनी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। जम्मू कश्मीर में एक और गैर कश्मीरी पर आतंकी हमला। पुलवामा में आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मारी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूर का नाम मनीरुल इस्लाम है, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, पूछा केंद्रीय एजेंसियां कभी किसी बीजेपी नेता के घर छापे क्यों नहीं मारती। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के 1000 से ऊपर विधायक और 300 से भी ज्यादा सांसद है, क्या किसी के घर भी छापा पड़ा। मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता पनीर सेल्वम को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 11 जुलाई को हुई अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक को वैध ठहराया और एकल पीठ की उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें इस बैठक को अवैध करार दिया था। स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को नया CEO बनाया। नरसिम्हन 1 अक्टूबर से स्टारबक्स के नए CEO के तौर पर काम करेंगे। झारखंड में हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया गया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। 1 सितंबर को CM हेरंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 24 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। किशोर कुमार के बंगले में रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में है विराट कोहली। किशोर कुमार के मुंबई स्थित जुहू वाले बंगले में उन्होंने लीज पर लिया है। कहा जा रहा है कि अगले महीने से ये रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा। गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार की गई तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है और अभी के लिए इन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। 1 अक्टूबर से देहरादून से दिल्ली की रोडवेज बस सेवा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली सरकार के BS6 वाहनों को ही प्रवेश देने के आदेश के बाद परिवहन निगम ने CNG बसों का टेंडर भी निकाला है, लेकिन उसमें कंपनियां नहीं आई। हिमाचल प्रदेश के 15 अध्यापकों को इस बार राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापकों की सूची जारी कर दी है। इन शिक्षकों को वर्ष 2022 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने और विद्यार्थियों के शिक्षण में विशेष रुचि लेने के लिए शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर सिटी की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि इन परियोजनाओं से जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और स्थानीय आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। पंजाब सरकार ने भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, पटियाला, तरन तारण, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर जिलों में वृद्ध आश्रम खोलने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्था ट्रस्टों और रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा इन आश्रमों को खोला जा रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
सहित 125 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने योग्य उम्मीदवारों से ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। पंजाब पुलिस में निकली बंपर भर्तियों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल और इंटेलिजेंस असिस्टेंट पदों के लिए 9 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में गणेश चतुर्थी उत्सव के तहत आनंद चतुर्दशी पर निकलने वाले शोभा यात्रा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अखाड़ों को स्वायत्त शासन मंत्री ने हजारों रुपए का इनाम देने का ऐलान किया और श्रेष्ठ अखाड़ा चयन के लिए एक समिति का गठन किया। सलमान खान का शो बिग बॉस 16 जल्द ही शुरू होने वाला है। सलमान खान ने हाल ही में शो का पहला प्रोमो शूट कर लिया है। रिपोर्ट की माने तो बिग बॉस 16 का पहला प्रोमो डांस रियलिटी शो झलक दिखाजा के प्रीमियर एपिसोड में रिलीज किया जाएगा। टीवी के सबसे बड़े और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस के 16वें सीजन की शुरुआत जल्द होने जा रही है। शो के एक के बाद एक कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि बंगाली एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां भी बिग बॉस 16 में नजर आ सकती हैं। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म से सरगुन मेहता ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा है। कपिल शर्मा के नए प्रोजेक्ट मेगा ब्लॉकबस्टर में दीपिका पादुकोण की एंट्री हो गई है। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर अपना पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्टर में दीपिका पादुकोण पिंक कलर सूट पहने नजर आ रहे हैं। बाजार में कैंपा कोला की वापसी की जिम्मेदारी संभाल रही रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी इस सेक्टर में अंबानी परिवार कैंपा कोला ब्रांड के साथ कैंपा कोला और तापसिको को टक्कर देगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम कैशबैक SBI कार्ड है और इस कार्ड के जरिए आपको किसी में ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। हफ्ते के 5वें और आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट बंद हुए और सेंसेक्स 36 अंक की बढ़त के साथ 58,830 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 16 अंकों की गिरावट के साथ 17,526 के स्तर पर बंद हुआ। ICICI बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में पूरे 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी सभी अवधि के लोन पर लागू होगी। ये बढ़ी हुई MCLR 1 सितंबर 2022 से लागू हो चुकी है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद के बाहर जोरदार धमाका हुआ और मस्जिद का इमाम धमाके में मारा गया। साथ ही आम लोगों को भी मारे जाने की खबर बताई जा रही है। हालांकि मौत के आंकड़े को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारा आज का सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।